मुरादाबाद पुलिस ने 3 महीने पहले मानसिक विक्षिप्त युवती के साथ गैंगरेप करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मजदूरी का काम करता है और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को गुमराह कर रहा था। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल बाइक और युवती के कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। विक्षिप्त युवती के साथ गैंगरेप की घटना को फरवरी महीने में उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो रेलवे स्टेशन के पास चहल रही थी। दिनांक 24 फरवरी की रात्रि में थाना मुगलपुरा क्षेत्र की निवासी एक मंदबुद्धि युवती ट्रेन से थाना भगतपुर क्षेत्र के अंतर्गत रोशनपुर बहेड़ी रेलवे स्टेशन पर प्रातः वहां पहुंचती है। प्रातः 9 बजे के आसपास एक अभियुक्त उनसे मिलता है और उसको बहला फुसलाकर उसके साथ सेल्फी लेता है। तदोपरांत मोटरसाइकिल पर एक अन्य अपने साथी को बुलाता है और दोनों मोटरसाइकिल पर बैठाकर उस युवती को एक वहां से 3-4 किलोमीटर दूर जंगल में गेहूं के खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार करते हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने उक्त घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है। पीड़िता के कपड़े बरामद किए गए हैं उनकी निशादेही पर और मोबाइल फोन जिसका प्रयोग किया गया था घटना में वह पुलिस ने कब्जे में लिया है। सर, कुल कितने आरोपी थे जिन्होंने इस घटना को? ये घटना अज्ञात में पंजीकृत की गई थी और चूंकि युवती ठीक से घटना को बता भी नहीं पा रही थी तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था और इसको मुखबिरों के जरिए डेवलप करते हुए पुलिस इस मुकाम तक पहुंची। सर, आरोपियों का प्रोफाइल क्या है, क्या नाम है इनके? आरोपी गण एक राजमिस्त्री का कार्य करता है, एक गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करता है। इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और इनके द्वारा इस प्रकार से वहां रेलवे स्टेशन पर उस युवती को अकेले देखकर भला फुसलाकर ये घटना कारित की गई।